फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं और इसमें अर्बन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि 60% इंडियन जीडीपी भले ही अर्बन एरियाज़ से आता है, बट जब हम म्यूनिसिपलिटी का बात करते हैं तो म्यूनिसिपलिटी का अभी भी स्थिति बहुत ख़राब है। वाई दिस टाइप ऑफ डाइकोटॉमी, इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों है अभी भी, और क्यों म्यूनिसिपलिटी भी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, क्या कमी है, तो वो सब चीज़ हम लोग समझेंगे इस क्लास में। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और गवर्नेंस वाला एक्चुअली है, ये समझे ना, ये जीएस पेपर का पॉलिटी वाला गवर्नेंस वाला है ये। चलो यहाँ पे समझते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फाइनली जो फिस्कल पोजीशन है कि कितना कितना कमाता है, ये फाइनली आरबीआई ने रिसेंटली पब्लिश किया, ठीक है। इससे पहले जो डेटा हमारे पास कंट्री में है ही नहीं म्यूनिसिपलिटी के बारे में कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, वो डेटा है ही नहीं। फाइनली आरबीआई ने ये पब्लिश किया एक रिपोर्ट, कब से 19-20 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 23-24 तक, कह सकते हो कि 3-4 साल का आंकड़ा लिया है। पहली बार ये रिपोर्ट जो जारी हुआ था नवंबर 2022 में हुआ था, एंड दिस वाज स्टडी फॉलोड बाय स्टडी ऑफ फाइनेंस, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी समझा गया, टोटल किया गया, तब जाकर पब्लिश किया गया तुम्हारा नवंबर 2022 में। हाँ, स्टडी में कितना है तुम्हारा, कितना कवर किया गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, 232 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भारत में है, 232 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत अच्छे से कवर किया गया और देखा गया कि यहाँ का स्थिति क्या है। समझ गए स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे लोकल बॉडी रिसीव लिमिटेड पॉलिसी अटेंशन, सही बात है ना। बताओ, एक तो दिक्कत ये है कि हमारे कंट्री में लोकल बॉडीज को लेकर, म्यूनिसिपलिटी को लेकर ना डेटा ही नहीं है। अब हम कहेंगे कि आरबीआई ये डेटा वाला जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर दे, क्योंकि आरबीआई लेके आई है ना, तो आरबीआई जो डेटा लेके आई है तो फिर एक्सपर्ट बैठेंगे और एक्सपर्ट वहाँ से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ निकालेंगे, डेटा से और डेटा से और डेटा निकालेंगे। तो लोकल बॉडीज इन इंडिया ऑफन रिसीव लिमिटेड पॉलिसी अटेंशन, उतना पॉलिसी अटेंशन नहीं मिला जितना वो मिलना चाहिए। क्यों, कारण क्या है कि डेटा ही अवेलेबल नहीं है कंपेरेबल फॉर्मेट में, यानी कि सही तरीके से डेटा ही अवेलेबल नहीं है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, बात समझे ना, लोकल बॉडीज़ के बारे में। तो ये जो स्टडी है आरबीआई का, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू लाएगा, जिसके वजह से क्या क्या पॉलिसी मिलना चाहिए लोकल बॉडीज़ को। हाँ, तो ये एक सरकार के तरफ भी एक मैसेज आया कि आपको क्या क्या करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, देखो तुम समझो ना, इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी कितना है अभी, 3.7 ट्रिलियन डॉलर, तो उसका 60% जो कमाई है वो अर्बन एरिया से ही होता है, सही बात है ना। अर्बन एरिया क्या इंजन है किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, अर्बन एरिया मतलब वही टाउन्स एंड सिटीज। तो 60% भारत का जो जीडीपी है वो अर्बन एरिया से ही क्रिएट होता है, जबकि 2050 तक बच्चे लोग, आने वाले 2050 में हमारा 50% जो आबादी है वो अर्बन एरियाज में ही रहने वाला है, अभी कम है, मैं 2050 तक आते आते 2050 तक जो हमारा पॉपुलेशन है 50% आबादी अर्बन एरियाज में चला जाएगा, और अभी कम है, अभी कितना होगा, अभी 30-35 के आसपास होगा, है ना। एज पर द आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई कहता है कि एमसी रेवेन्यू रिसीव आर जस्ट अब, बताओ मैं एमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो रेवेन्यू रिसीव कर रहा है तो होल जीडीपी का मात्र 0.6% है। देखो कितना बुरा स्थिति है, जीडीपी 37 ट्रिलियन डॉलर का है, मैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो रेवेन्यू रिसीव कर रही है, अच्छा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देते हैं ना हम लोग, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होते हैं, अलग अलग राज्य में जाओगे जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम करता है तो बहुत टैक्स भी उठाता है। अभी देखो दिक्कत क्या है पता है, कि लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में हम लोग फंसे हुए हैं। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब क्या, कि आप टैक्स भी कम दे रहे हो और आपको सर्विस भी उतना ही गंदा मिल रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, और ये ट्रैप फंसा हुआ है, आप ना ज़्यादा पैसा दोगे ना आपको वो सर्विस ज़्यादा देगा, इसको बोलते हैं लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में, ना एजुकेशन बढ़िया है, ना हेल्थ बढ़िया है, ना सैनिटेशन बढ़िया है। क्यों, क्योंकि तुम पे ही नहीं कर रहे हो म्यूनिसिपल को, और म्यूनिसिपल भी चूंकि ये सर्विस गंदा दे रहा था इसलिए भी तुम पे नहीं कर रहे हो, इसको बोलते हैं लो इक्विवेलेंट ट्रैप में फंसा हुआ लोग। देखो तो आरबीआई की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली बात है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पास जो राशि प्रदान होता है, राशि जो कलेक्ट होता है वो जीडीपी का मात्र 0.6% है बच्चे लोग। और देखो ये भी जान के हैरान हो जाओगे कि लगभग 200 प्लस का निकाला ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें से हैंडफुल मात्र 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का देखोगे तो वो भी, यानी कि 232 समथिंग था ना, 230 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डेटा लिया, सब में सबको मिला कितना कमाई हुआ, 0.6% का जीडीपी,
ये 0.6% जो जीडीपी है इसका तो मेन जो है तुम्हारा 60% केवल 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आ रहा है, तो बाकी जो होगा उसका स्थिति और खराब। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 200 लगभग 230 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डेटा लिया और कहा कि सबको मिला के 0.6% जीडीपी का कमाई होता पैसा यहाँ पे, और उसमें से भी बच्चे लोग 0.6% का जो 60% है वो केवल 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कमाई होता है, यानी कि रेस जो है 220 होगा, 220 होगा उसका स्थिति तो और खराब है। तो इतना बुरा स्थिति देखो, और कहाँ कहाँ से कमाई होता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फीस लगता है, यूजर चार्जेस लगता है, और इसमें भी देखोगे प्रॉपर्टी टैक्स सबसे ज़्यादा है, 60% रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो यानी कि कोई फीस अच्छा नहीं दे रहा, यूजर चार्जेस अच्छा नहीं दे रहा, यानी कि सैनिटेशन सैनिटेशन के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है उतना, मैं प्रॉपर्टी टैक्स उठा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ा कंपोनेंट है, 60% रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है केवल प्रॉपर्टी टैक्स से। तो देखो जान के हैरान हो जाओगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्सपेंडिचर है चाहे रेवेन्यू हो कैपिटल हो दोनों जोड़ के मात्र 1.3% है जीडीपी का 2023-24 का। देखो ना, एक तो कम कमाई हो रहा है, खर्च भी उतना ही कम। तो ये कहो कि सर पैसा कहाँ से आएगा, तो स्टेट देगा, सेंटर देगा। देखो ट्रांसफर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है ना लोकल बॉडीज़ को, स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट दिलवाती है ना सेंटर से, हाँ तो ये जाता है। देखो 30% जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, देखो 19, 20 और 22, 23 में ये 3-4 साल का देखोगे आंकड़ा, तो 30% जो रेवेन्यू रिसिप्ट मिला म्यूनिसिपल बॉडी को या लोकल बॉडीज़ को, वो तुम्हारा या तो स्टेट गवर्नमेंट से मिला या फिर तुम्हारा फाइनेंस कमीशन ग्रांट से मिला है। ट्रांसफर बाय द यूनियन वेयर वर्थ अप अबाउट 2.5%, यानी कि जो ट्रांसफर मिलता है ना फाइनेंस कमीशन में, जानते हो ना कि ट्रांसफर भी मिलता है, तो ट्रांसफर कितना है 2.5% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड एमसीआर ऑल्सो बोरिंग फॉर द मार्केट, से देखो कितना कम बोरो कर रहा है, क्यों? क्योंकि कंट्री में, हमारे कंट्री में म्यूनिसिपल बॉन्ड है ही नहीं एक्टिव उतना जितना फॉरेन कंट्री में है। फॉरेन कंट्री में क्या है, देखो म्यूनिसिपल बॉन्ड वहाँ पर जारी कर दिया जाता आराम से, बॉन्ड भी यहाँ पे देखो एक पुणे है, महाराष्ट्र में पुणे म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है। मतलब तुम देखो ना, भारत इतना ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है भारत में अलग अलग राज्य में, तो कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अच्छे से बॉन्ड जारी करता हो, कोई नहीं है। मात्र 0.05% जीडीपी का कमाई हो रहा है तुम्हारा म्यूनिसिपल बॉन्ड सब जारी करके मार्केट से वो लेके, इतना कम है। तो देखो वही बोला कि डेवलप, बहुत सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में लोकल बॉडीज है ना का अच्छा खासा शेयर है, लोकल बॉडी अच्छा खासा तुम्हारा है ना वो पैसा खर्च करता है, उसको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यहाँ पे नहीं है। इन मोस्ट डेवलप्ड एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ लोकल बॉडीज इन जनरल गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज मच हायर, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। द इंक्रीज डेलीगेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पावर्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इम्प्रूव बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स, इसलिए फिस्कल पावर ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जीएसटी हमेशा स्टेट और केंद्र मार लेता है, इसको भी मिलना चाहिए ना जीएसटी का पैसा, तभी तो ये वाइब्रेंट हो पाएगा, तभी तो ये रोबस्ट हो पाएगा इंस्टीट्यूशन। तो वही बोला है कि फिस्कल पावर बढ़ाने की जरूरत है, इन लोग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाके इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स देखने को मिलेगा, तभी जाके वो इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्या करना चाहिए हमें, सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को फिक्स करिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट कर सके स्वयं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है ना, इसको फिर से, क्योंकि देखो कई लोग का प्रॉपर्टी बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी है, दे रहा है कितना 1,000 रुपये 2,000 दे रहा है साल में, उसको रिवैम्प्ड करना चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ा के उससे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स। बट एट द सेम टाइम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी दायित्व बनता है कि वो भी सर्विस अच्छा दे लोग का, खाली टैक्स पर टैक्स उठाया जा रहा है, जैसे हम जहाँ पर भी बात कर रहे, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ आएगा मुँह उठा के एक साल में टैक्स लेता है, वो सर्विस क्या दे रहा है, ठीक से कचरा वाला तक नहीं आ रहा है ठीक से कचरा उठाने के लिए, तो जब वो नहीं दे रहा है सर्विस तो यहाँ के लोग भी टैक्स नहीं दे रहे हैं उसको, सिंपल बात था। तो यदि, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है तो वो अपना सर्विस पे भी ध्यान दे, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स का वैल्यूएशन फिर से होना चाहिए, राइज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक टैक्सेशन यूज़ हो सके। देखो केंद्र सरकार ने कितना अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अधिक से अधिक पर्सनल टैक्स को कलेक्ट किया है ना, तो देखो ये वही बोल रहा है कि जो यूज़र फीस कलेक्ट करना चाहिए, बट हाँ सर्विस अच्छा देना चाहिए। इट इज़ वाइटल टू रिड्यूस डिपेंडेंट, क्यों हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्यों स्टेट गवर्नमेंट पे, क्यों दूसरे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है सबसे नज़दीक है, बात समझे ना। और दूसरी बात है इन लोगों को पास भी होना चाहिए, बताओ जीएसटी सब मार ले रहा है ऊपर, जीएसटी मिलना चाहिए इन लोग को,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुछ शेयर मिलना चाहिए इन लोग को, है ना। दे कैन प्लान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेटर, ये अच्छे से डेवलपमेंट प्लान कर पाएगा अच्छे से, तो इस हिसाब से करना चाहिए। और ये बहुत ही हाई टाइम है क्योंकि विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत बनने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को विकसित बनना जरूरी है कि नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस पोजिशन में जरूर रहे कि जब ये बॉन्ड जारी करे तो लोग बहुत ही हाई पब्लिक ट्रस्ट के साथ लोग उसको सब्सक्राइब करें। क्यों? अब तभी सब्सक्राइब करेंगे जब सर्विस बहुत अच्छा दे रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यदि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद लोग इक्विवेलेंट ट्रैप में फंसा हुआ है तो कोई भी बॉन्ड सब्सक्राइब करना नहीं चाहेगा। समझ गया ना? दैट्स इट, कंप्लीटेड।